तो स्वागत दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरके टेक्निकल। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस प्रकार से अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में स्नैपड्रैगन 888 की परफॉर्मेंस को एनेबल कर सकते हैं। अपने डिवाइस में स्नैपड्रैगन 888 की जो स्क्रिप्ट फाइल है दोस्तों, उसको आप बहुत ही आसानी से फ्लैश करा सकते हैं विदाउट रूट। जी हां दोस्तों, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बार में लिंक दिया, वहां पर से आपको स्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड कर लेनी है जो कि दोस्तों जिप फाइल के रूप में कन्वर्टेड है। उस जिप फाइल को दोस्तों आपको सिंपली से करा लेनी है लोकेट। मैं यहां पर से दोस्तों JRC और एप्लीकेशन से करा लेता हूं इसको एक्सट्रैक्ट। आपको भी दोस्तों इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट यहां पर से करा लेना है। मैं करा लेता हूं दोस्तों इसको एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट कराने के बाद दोस्तों ऊपर में आपको अलग सा फोल्डर देखने को मिल जाएगा एनेबल स्नैपड्रैगन 888 करके, भी कुछ इस प्रकार से आपको बना नया फोल्डर देखने को मिल जाएगा। इसको दोस्तों सिंपली से आपको कर लेना है ओपन। तो मैं कर लेता हूं दोस्तों इस फोल्डर को ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों मेरे को दो फाइल देखने को मिल चुकी है, एक दोस्तों SH करके फाइल है, एक TXT फाइल है। यहां पर से दोस्तों अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली से यहां पर से इसको बैक कर देना है। मैं कर लेता हूं दोस्तों यहां पर से बैक। बैक करने के बाद दोस्तों मैंने एक और लिंक दिया जहां पर से दोस्तों अब आपको टर्मक्स एप्लीकेशन का लिंक है। जी हां दोस्तों, उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहां पर से आपको कर लेना है टर्मक्स एप्लीकेशन को अपने डिवाइस में इंस्टॉल। जी हां दोस्तों, यहां पर से मैं कर लेता हूं इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक, देन दोस्तों मेरा इंस्टॉलिंग सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाएगा। तो इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों डायरेक्टली आपको कर लेना है इसको ओपन टर्मक्स को। टर्मक्स को ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको टर्म्स का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा पहली बारी में। अब दोस्तों यहां पर आपको कमांड डालनी है। पहला कमांड है दोस्तों आपका PKG स्पेस इंस्टॉल स्पेस नैनो। जी हां दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं क्या कमांड मैंने डाली है, स्पेलिंग आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर से दोस्तों जैसे इस कमांड को डालकर आप इंटर करेंगे, आपकी जो नैनो प्रोग्राम है वो दोस्तों अपडेट हो जाएगी। देन नेक्स्ट कमांड है दोस्तों आपका नैनो स्पेस स्नैप 888। जी हां दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से देख सकते हैं क्या कमांड मैं यहां पर टाइप कर रहा हूं। आपको दोस्तों हूबहू उसी तरीके से टाइप कर लेना है, नैनो स्पेस सब स्मॉल लेटर्स में रहेंगे दोस्तों स्नैप 888। जी हां दोस्तों, ये डालकर आपको कर देना सिंपली से इंटर वाले बटन पर क्लिक। आपको दोस्तों अगेन देख लेना है आपकी जो स्क्रिप्ट फाइल की जो SH फाइल है उसी तरीके की स्पेलिंग रहनी चाहिए, स्पेलिंग आपकी कोई मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए। देन आपको कर देना इंटर के बटन पर क्लिक। इंटर पर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको अलग सा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यहां पर से टर्म्स में। देन दोस्तों अगेन आपको JRC में आकर उस SH वाली स्क्रिप्ट फाइल को दोस्तों आपको किसी भी टेक्स्टवेयर से कर लेना है ओपन। जी हां दोस्तों, टेक्स्टवेयर एप्लीकेशन से आपको इसको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको सेलेक्ट ऑल कर लेना है सभी जो टेक्स्ट लिखी है, स्क्रिप्ट लिखी है सभी को। स्क्रिप्ट को दोस्तों आपको सिंपली से यहां पर से पूरी तरीके से सेलेक्ट ऑल कर लेना है। देन अगेन दोस्तों आपको यहां चले आना है अपने टर्म्स पे। टर्म्स में आने के बाद दोस्तों यहां पर इसको लाकर आपको कर देना है पेस्ट। पेस्ट में यहां पर से कर देता दोस्तों। पेस्ट करने के बाद आपको नीचे में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कंट्रोल का, कंट्रोल देन दोस्तों कंट्रोल प्लस एक्स को आपको एक साथ प्रेस कर लेना है। मैं कर लेता हूं दोस्तों प्रेस एक साथ। देन दोस्तों आपको वाई करके इंटर कर देना है। वाई करके दोस्तों आपको यहां पर से कर देना है इंटर। देन दोस्तों आपकी जो स्क्रिप्ट फाइल है वो दोस्तों टर्म्स में सक्सेसफुली यहां पर लोड हो चुकी है। अब दोस्तों आपको एक और कमांड डालनी है इस स्क्रिप्ट फाइल को फ्लैश कराने के लिए। वो कमांड है दोस्तों आपकी BASH स्पेस स्नैप 888। जी हाँ दोस्तों, बैश स्पेस स्नैप 888 आपको ये कमांड डाल देनी है। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख सकते हैं। इसको डालने के बाद दोस्तों इंटर पे क्लिक करना। इंटर पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए दोस्तों स्नैपड्रैगन की जो परफॉर्मेंस वाली फाइल है वो सक्सेसफुली आपकी दोस्तों फ्लैश होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों आपको एक और कमांड डालनी है, वो कमांड दोस्तों मैं आपको लिखित दे देता हूँ। वो है दोस्तों आपकी जो स्क्रिप्ट फाइल में आपको ऊपर में फाइल देखने को मिली दोस्तों TXT की, उसी में दोस्तों सभी कमांड है। उसको अगेन दोस्तों ओपन करके दिखा देता हूं। तो कुछ इस प्रकार से मैं उसको ओपन कर लेता हूं किसी भी टेक्स्ट व्यूअर से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जितने भी यहां पर जितने भी कमांड है दोस्तों उसको वन बाय वन आपको यहां पर लाकर पेस्ट करते जाना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, आप आराम से करिए। ये देखिए आप अगेन यहां पर आ जाना है। देन दोस्तों सेकंड कमांड को यहां पर से कॉपी करना है, देन यहां पर लाकर पेस्ट कर देना है वन बाय वन। दोस्तों जितने भी यहां पर कमांड है उन सबको दोस्तों कॉपी पेस्ट यहां पर से आपको कर लेना है पूरी तरीके से। दोस्तों मैंने सक्सेसफुली इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। देन दोस्तों लास्ट में आपको देखिए रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको दोस्तों आप अपने हिसाब से मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको 120 का चाहिए या फिर 90 Hz का चाहिए। ये दोस्तों आपके डिवाइस के स्टोरेज के हिसाब से आप देख सकते हैं आपकी कितनी कैपेबिलिटी है आपके डिवाइस की, उस हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन दोस्तों सक्सेसफुली
आपका ये पूरी तरीके से फ्लैश हो जाएगा। देन दोस्तों आपको अपने डिवाइस को कर लेना है एक बार रीबूट। रीबूट करने के बाद दोस्तों जब आप कोई भी सा गेम खेलेंगे या फिर हैवी टास्क करेंगे दोस्तों, आपको वो स्मूथनेस वो परफॉर्मेंस दोस्तों देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे में कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कराएंगे हम लोगों ने भूले। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉच।